हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेराज अहमद। आप देख रहे हो मेराज रिएक्शन टेक। मैं आपको आज उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव में लेकर आया हूं। गाइस, वहां का जो गांव है, पहले गांव हुआ करता था लाखों साल पहले, अभी थोड़ा सा वीराना है। बट क्या है कि लोगों का मानना है कि ये जिन्नतों का गांव है। अभी तो ये आप देख सकते हो चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको। गाइस, इसमें ज़्यादा खजूर के पेड़ और अंजीर के पेड़ ज़्यादा मिलेंगे। और ये जिन्नात मियाँ का ये मस्जिद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो जिन्नात मियाँ की ये मस्जिद है। सो गाइस, इसके लिए यहाँ आके जिन्नात मियाँ से हम लोगों ने इजाज़त भी लिया था कि क्या मालूम जिन्नात मियाँ हैं भाई, उनको क्या पसंद आए क्या ना पसंद आए। इसके लिए हम लोगों ने पहले हजरत से इजाज़त लिया वीडियो बनाने के लिए, उसके बाद फिर हम लोगों ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। सो गाइस, यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये लाखों साल पुराने यहाँ पे जंग हुई थी। सो यहाँ उन्हीं हजरत की यहाँ मजार शरीफ भी है, लेकिन हम लोगों को कहीं मिला नहीं, वो मजार शरीफ दिखी नहीं। होगी कहीं, बहुत बड़ा ये जंगल टाइप का है। सो मैं आपके लिए इतनी दूर आया हूँ गाइस कि आपके आपकी जानकारी में आ जाए ऐसी जगह, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गाइस कि पास होता है बट आदमी को पता नहीं होता कि यहाँ पे है क्या, तो इसके लिए आए हैं। तो और गाइस, ये यहाँ के लोगों से हम लोगों ने पूछा था पहले ही, तो यहाँ के लोगों ने बताया कि सर यहाँ पे आप दिल से कोई भी मन्नत अगर मानते हो तो जो है यहाँ के आप आने वाले जायरीन जो है उनकी मन्नत पूरी होती है। बस ये है कि दिल से मन्नत मानी जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं इस जंगल के चारों साइड से आपको वीडियो बना के इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको कोई चीज़ की कमी ना लगे इस वीडियो में। जैसे कि आप अगर यहाँ पे आना चाहते हो, आपकी कोई सी भी मन्नत रहेगी, तो गाइस यहाँ पे इंशाल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों के सदक़े में ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आपको आप किसी भी मुसीबत में हो और सच्चे दिल से यहाँ पे अगर मन्नत आप मान लेते हो, भाई देखिए क्या है कि आप यहाँ आओगे लेकिन कभी किसी को नुकसान किसी सांप ने पहुँचाया नहीं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ जहाँ बुज़ुर्ग अच्छे होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के प्यारे दोस्त होते हैं, वो कभी किसी आदम जात या किसी को भी उनसे नुकसान नहीं पहुँचता। वो खुद बर्दाश्त करते रहते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो गाइस, चारों तरफ आप इस बाग की हाल देख सकते हो, इसमें चारों तरफ से रास्ता बना हुआ है, जानवर आदमी। बाद लोगों का कहना है कि यहाँ से कुछ लोग लकड़ी भी चुरा के काट के ले जाते हैं, लेकिन अगर उनको रोकना हो तो वो रोक सकते हैं, लेकिन वो रोकते नहीं। क्योंकि क्या है, बुजुर्गाने दिन उनको तो किसी चीज़ की परवाह नहीं है। और जब मैंने यहाँ के मस्जिद के बारे में पूछा कि अगर ये मस्जिद कैसे बने या बन क्यों नहीं रही इतने दिनों से, तो लोगों ने बताया कि सर हो सकता है ये जहाँ ये यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं हजरात, उनको किसी की हेल्प ना चाहे हेल्प की ज़रूरत ना पड़ी हो। क्योंकि अगर बुज़ुर्ग जब किसी से काम लेना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, सिर्फ उनको एक बार हुक्म करने की ज़रूरत होती है और आदम जात खुद ही ऑटोमेटिक उनके कामों के लिए आ जाता है। अल्लाह ताला के वो नेक बंदे होते हैं, इसलिए वो जो अल्लाह ताला से सिर्फ दिल में सोच लेते हैं, अल्लाह ताला उसको आदम जात के द्वारा करवा देता है। लेकिन उन लोगों का तो यही कहना है, फिलहाल देखते हैं। अब हम लोग तो यहाँ आए हैं, इंशाअल्लाह ताला हजरत हम लोगों की अगर मुराद पूरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो हम लोग भी दिल में कुछ सोचे हैं। और बाकी आप गाइस देख सकते हो यहाँ पे, और हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई यहाँ का जो नज़दीकी है आदमी, अगर वो आता है यहाँ पे दिखाई देता है,
तो हम उनसे दो चार मिनट तो आपकी आपकी जानकारी के लिए उनसे बात करके कुछ तो पूछ ही लेंगे, कहे ना एक ही मिनट वो बताएं, कम से कम कुछ तो बताएंगे, जो उनकी जबानी रहेगी तो ज़्यादा बेटर होगा। बट यह है कि हम लोग जिनसे जिनसे भी सुने हैं, यहाँ पे गाइस बताया जाता है कि रात में पहले यहाँ, अब तो क्या है लोगों के दिल में दिल गंदा हो चुका है, इसलिए उनको कुछ भी नहीं दिखता। पहले के लोग बहुत सीधे साधे होते थे, तो रात में यहाँ मिलाद हुआ करता था। तो एक लोग जो है वो कहीं सलून वगैरह से अपने घर जा रहे थे, तो यही देखा मिलाद हो रहा था, तो वो भी बेचारे सीधे साधे लोग थे, वो क्या करे उसी मिलाद में बैठ गए। अभी बैठ गए तो मिलाद ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर वहाँ से जो सीनी वगैरह सिरिनी वगैरह बटना स्टार्ट हुआ, और बढ़ते बढ़ते इनको भी मिला, तो इनको भी दिया गया। तो लमसम एक जो एक किलो मान लीजिए ऐसे होता है, जो दोनों हाथों से दिया जाता है एक किलो होता है, उसको दिया तो इन्होंने अपने गौछे में ले लिया, और जब आगे बढ़ के देखा तो उसमें कोयला था। तो इन्होंने क्या किया कि सिर्फ निशानी के तौर पर एक कोयले को अपने पास रख लिया, बाकी सारे कोयला को उसी खजूर के जो दरख्त था छोटा सा उसी में डाल के ये चले आए। अभी जब सुबह हुआ ये कोयला उसी अपने सिरहाने रख के सो गए। अभी जब सुबह हुआ तब उठ के देखा, उठे ये तो देखा तो कोयला वो सोना बन चुका था। बट क्या है कि अभी जब सुबह ये वहाँ गए झाड़ी में देखने के लिए, तो वहाँ पे गाइस कुछ नहीं था। अभी ये इतना पछताए, अभी जो एक जो कोयला था वो सोना बन चुका था, अगर पूरा होता तो इनकी तो लाइफ बदल जाती, लेकिन क्या है कि इंसान गलतियों का तो पुतला है। अभी उनको तो ये लगा कि मुझे कोयला दिया गया, अभी कोयला को तो कोई भी नहीं ले जाएगा, हम ही आप लोग होते तो नहीं ले जाते, लेकिन क्या है कि अभी उनसे गलती हो गई। उसके बाद आए बहुत गलती वगैरह माने, बट ये है कि यहाँ आप ये समझ लीजिए गाइस कि यहाँ पे जो भी आप मन्नत मानते हो यहाँ मन्नत पूरी हो जाती है। यहाँ जो हजरत हैं आप, और यहाँ कोई, क्योंकि क्या है लाखों साल पुराना है तो कोई नाम तो जानता नहीं है गाइस, इसके लिए हम लोगों ने बहुत नाम पूछने की कोशिश किया लेकिन कोई सही सही बता नहीं पाए, तो इसलिए हम नाम लेना मुनासिब नहीं समझते। जो हजरत है उनको खुद ही पता है। और तो ये देखिए मेरे हाथ में एक अंजीर है, वो वहाँ पर फल गिरा हुआ था तो मैंने उसे उठा लिया, वो भी हजरत से इजाज़त ले कर उठाया था। मैंने कहा अगर नहीं पूछेंगे तो खाने के बाद हजरत को गुस्सा आ जाए, इसके लिए हम लोगों ने जो भी अंजीर उठाई उसको इजाज़त के तौर पर। और ये हमारे साथ में हमारे गांव के हैं लोग, जो आए हुए हैं, तो इनसे भी पूछा मैंने, कोशिश किया पूछने के लिए कि अगर आपको ही कुछ पता हो यहाँ के बारे में, तो कुछ बता रहे थे लेकिन वो मेरे समझ में नहीं आया कि यहाँ के लिए सूटेबल है। अगर यहाँ पर कोई आता है इस गांव का तो मैं आपको लाइव उनसे जितनी भी देर वो बात करना चाहेंगे आपको जानकारी के लिए उनसे बात करूँगा। और आप देख सकते हो चारों तरफ जंगल है, इसमें खजूर और उसके अंजीर के पेड़ ज़्यादा हैं, और अब जंगली के हिसाब से कुछ पेड़ और उगाए हैं, लेकिन ये दो पेड़। और आप गाइस ये समझ लीजिए कि जहाँ पे आपको मैं एक निशानी बता देता हूँ, बुज़ुर्गों का ये कहना है कि जहाँ पे आपको ज़्यादा खजूर के अगर पेड़ मिले तो वहाँ समझ लेना कि अल्लाह का कोई वली या अल्लाह का कोई नेक बंदा वहाँ पे आराम फरमा रहा है। ये आप निशानी बहुत ही कायदे समझ लीजिए ये निशानी, कि अगर कहीं ज़्यादा खजूर का पेड़ है वहाँ आप समझ लीजिए कि अल्लाह का कोई नेक बंदा है। क्योंकि क्या है कि पहले कि जब अरब शरीफ से लोग हिजरत करने के लिए या जंग वगैरह करने के लिए निकलते थे, तो उन हजरात के पास सिर्फ पानी मस्कीजे में होता था और खजूरें होती थी, तो वो जहाँ आराम करते थे वहीं पे खजूरें वगैरह और पानी वहीं पीते खाते थे बस, उनका और दूसरा कोई जुगाड़ नहीं हुआ करता था। और जहाँ पे ये काफिला बना के वो या तंबू वगैरह तान के जहाँ पे ये रुकते थे, जहाँ पे जंगे वगैरह होती थी वहाँ पे ये सब लगाया जाता था ना तंबू वगैरह पूरे काफिले के लिए, तो वहाँ पे जिन हजरात की शहादत हो जाया करती थी उनको वहीं पे दफना दिया जाता था। अब वहीं रहने के हिसाब से तो खजूरें
इकट्ठे वहीं पे ज़्यादा खाते थे रहने के हिसाब से, तो वहीं पे सारे पेड़ उग जाते थे। तो उसके हिसाब से आप ये समझ लीजिए, जितने भी खजूर के इकट्ठे पेड़ आपको मिले कहीं भी, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे अल्लाह का कोई नेक बंदा आराम कर रहा है। और गाइस, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें। और गांव का अगर कोई बंदा दिखता है तो मैं आपको जो है एक ही मिनट उनसे बात करवाऊंगा। अभी देखता हूँ, कोई दिख तो नहीं रहा है फिलहाल। और गाइस, क्या है, इस बाग से आने में बहुत ही दिल चाहिए, हिम्मत चाहिए। इस बाग से कोई आता जाता नहीं है, बहुत ही हिम्मती आदमी होता है जो इस बाग से आता है, ये भी बात एकदम सच है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई दिख जाए, अभी लग तो रहा है कि कोई आ रहा है। अभी देखते हैं, अगर वो कोई आ जाता है तो हम उससे बात करवाते हैं। और गाइस, ये गांव के जैसे मैंने आपको बताया था कि गांव का अगर कोई आदमी दिखता है तो मैं उसकी ज़बानी आपको हकीकत सुनवाऊंगा। आपने बताया कि वहाँ पे जो लोग आते थे आम वाम बिनने के लिए, तो सांप उनके ऊपर से उतर के चला जाया करता था, काटता नहीं था। तो आप समझ सकते हो यहाँ के फजीलत। यहाँ के जो भी बुजुर्ग हस्ती हैं वो इतने सीधे हैं कि कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। इतना लोग नुकसान करते हैं चारों तरफ आने जाने के वाले, लेकिन कभी आप लोगों ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। उम्मीद करता हूँ गाइस मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और दूसरे वीडियो के लिए आप मेरा रिएक्शन टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इससे भी कोशिश करूँगा अच्छी जानकारी आपको दोबारा दूँ, और आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सेटिस्फाइड करें। बट कभी कभी कुछ कमी रह जाती है, जो भी कमी रहे दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपना प्यार हमेशा बनाए रखना, और इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाते रहूँगा। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।